मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा कादर पैलेस बिल्डिंग के पहले मंजिले पर रात में भयानक आग लग गई। ये आग शॉप नंबर 4 में लगी थी। इसमें स्टार कंप्यूटर नाम से कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी। ओनर का नाम इफ्तिकार खान है। आग की घटना में दुकान में रखे सामान जलकर राख हो गए। ये आग रात में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास में लगी है। लोगों ने पहले धुआं निकलते हुए देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, मगर आग देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। वहीं इफ्तिकार खान का कहना है कि सूचना देने के बाद भी काफ़ी देर में फायर ब्रिगेड पहुंची है। इस आग में करीब 5 लाख के सामान जलकर नुकसान हो गया है। अगर वक्त रहते समय से फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो शायद आग बुझा दी जाती, इतना नुकसान नहीं होता। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आग कितनी भयानक थी। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए दुकान में रखे सामान किस तरह से जलकर राख हो गए हैं। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट होने की वजह से ये आग लगी है। इस आग में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, मगर दुकान मालिक इफ्तिकार खान का करीब इलेक्ट्रॉनिक सामान 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का सामान जलकर नुकसान हो गया है। इफ्तिकार है, क्या नाम है आपका? इफ्तिकार। दुकान में आपकी आग लगी, क्या सामान था आपके दुकान में? कंप्यूटर से आग लगी है। कंप्यूटर का पूरा सामान था न्यू और सेकंड, उसमें लैपटॉप थे, प्रिंटर थे, सीसीटीवी कैमरा थे। आग लगी है जिसपे तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किए, वो लगभग आधा घंटा लेट आए और पूरा का पूरा सामान जल गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। लगभग 5 लाख के आसपास से ऊपर ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी आग लगने के काफ़ी देर बाद आधे घंटे के बाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।